कोरे गांव के अंदर, भीमा कोरे गांव के अंदर जो ये हादसा हुआ है, ये किस बात को लेके हुआ है? एक्चुअल में ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात नहीं, एक बड़ा इतिहास है, एक ऐसा शौर्य गाथा जिसकी जितनी लंबी लिखी जाए कम होगी। विजय स्तंभ वहाँ पर बनाया गया है। 200 साल पहले जब 1 जनवरी को वहाँ पर पेशवाओं में और मराठों महार क्रांतिकारियों में जो जंग हुई, सबसे बड़ी बात थी अछूत कहा जाता था, कहीं भी नहीं रखा जाता था, अपने पास तक भी नहीं फटकने दिया जाता था। तब अंग्रेजों ने उन महार वीरों को पहचाना, उन्हें अपनी सेना में लिया और ये जो अछूत हमें माना जाता था उसके खिलाफ लड़ाई बिल्कुल लड़ी जा रही थी। और जो 500 महार सैनिक थे, उन महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी वहां पर। और कल को जैसे ही हमारा इतिहास हमेशा से यूं बदलते आए हैं, कल को ये हमारा इतिहास बदल ना दे, कल को ये तोड़ मरोड़ के पेश ना करें बातों को, इसीलिए अंग्रेजों ने एक बड़ा काम वहां पर कर दिया था, विजय स्तंभ बना करके। लेकिन इन लोगों को 200 साल से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे भाजपा की सरकार इस देश के अंदर तांडव कर रही है, आरएसएस का तांडव, आरएसएस का अत्याचार चरम सीमा पर है, वैसे इन्होंने मौका देख करके अब 1 जनवरी 2018 को इन लोगों ने हमारे ऊपर वार किया। यह विजय स्तंभ है, हमने यहां मांग भी ये रखते हैं हम कि विजय स्तंभ को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित करना चाहिए और वहां विजय स्तंभ को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वे विजय स्तंभ को भी गिरा सकते हैं, उनका भरोसा नहीं है। वे लोग गंदी राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं और रोटियां सेकते हैं उनके ऊपर। लेकिन आज अगर भीम सैनिक जाग रहे हैं तो इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे।